मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम और चीज का नाम। जैसे आपका नाम, आपका नाम जो भी है वो एक नाउन है। मेरा नाम दिव्या है तो दिव्या भी एक नाउन है। किसी जगह का नाम, जैसे हम अंबाला में रहते हैं तो अंबाला भी क्या है? एक नाउन है। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं, जैसे कैट, डॉग, ये सब क्या है? इन सब का नाम भी क्या? एक नाउन है। और हमारे आसपास जो थिंग्स हैं, जैसे मोबाइल, बेड, टीवी, ये सब जो हम देखते हैं, ये भी सब क्या है? एक नाउन है। अब आया आपको समझ? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब हम बात करेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं या कितने काइंड के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन चार तरह के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो एक स्पेसिफिक और स्पेशल नेम हो। जैसे कि अब आपका नाम जो भी है, या मेरा नाम, मैंने आपको बताया था कि दिव्या है, तो दिव्या क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जाम्पल लो, सीता इज अ गुड गर्ल, तो इसमें सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। संडे इज अ हॉलीडे, तो संडे क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो हमें एक प्रॉपर चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। आप सबको समझ आया कि नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या है? जिसमें हमें प्रॉपर मेंशन किया गया हो कि नाउन क्या है। अब हम इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा? कोई भी कॉमन और जनरल नेम। जैसे कि वो लड़का है, लड़का इसमें क्या है? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल जैसे कि द बॉय इज प्लेइंग, तो बॉय कोई भी है, कोई भी जनरल लड़का। हमें स्पेशली मेंशन तो नहीं किया गया ना कि एक राम लड़का है वो खेल रहा है। हमें जस्ट ये बताया गया है कि एक लड़का खेल रहा है, तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली कि बॉय कौन सा बॉय खेल रहा है। तो इसलिए बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है। द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, जो कुर्सी है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो इसमें जो चेयर है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें कोई भी स्पेशल चेयर तो नहीं मेंशन किया ना कि कौन सी चेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चेयर क्या है? एक कॉमन नाउन है। इसमें एक और नाउन है, वो है वुड। हमें ना ही वुड के बारे में बताया गया कि ये कौन सी लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे शीशम होगी, सांगवान होगी, टीक होगी, एटसेट्रा। ऐसे वुड भी अलग अलग तरह की होती है, और हमें इसमें कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया गया, कोई क्लैरिटी नहीं दी कि किस वुड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वुड भी क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हुआ। तो हम इसका थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड टाइप जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा हुआ? जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज विच कैनॉट सी, हियर, स्मेल और टच। जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हंसना, रोना, ये सब हम महसूस करते हैं, ऐसे ही उन्हें हम सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, दे फेस्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो गरीबी क्या होती है? उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो पॉवर्टी इसमें क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। I love my mother, मैं अपनी माता से प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें जो प्यार है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ आए? जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसे लव इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका हम फोर्थ टाइप करेंगे। फोर्थ टाइप इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं जो हम ग्रुप को कहते हैं, किसी कलेक्शन को कहते हैं, जो एक सेम पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल की हो, वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया है। ठीक है ना?
कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ सेम पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स, जो एक समूह किन्हीं सेम व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर उन सबको एक समूह जो होगा कलेक्टिव होगा जो ग्रुप में होंगे बट सेम तरह के उन सब वो क्या होंगे कलेक्टिव नाउन होंगे. जैसे एग्जांपल आई हैव लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज, मैंने चाबियों का गुच्छा खो दिया. इसमें बंच क्या है कलेक्शन, जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसे बंच ऑफ कीज, इसमें बंच जो है कलेक्टिव नाउन है. इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स आर गोइंग इन अ लाइन, एक चींटियों की फौज लाइन में जा रही है. तो इसमें जो चींटियों की फौज है वो एक ग्रुप को डिनोट कर रही है, हमें दर्शा रही है कि जो आर्मी है वो एक ग्रुप को डिनोट कर रही है. तो इसीलिए आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है. आप सबको समझ आया नाउन के बारे में? तो आज के लिए बस इतना ही.